गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका स्वागत है। आज मैं अपने किचन में पनीर का कोफ्ता बना रही हूँ। उसके लिए देखिए, मैं कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड डाली हूँ और 1 इलायची 1 दालचीनी, इलायची, लौंग और 1 प्याज और टमाटर मैं डाल दी हूँ। इसका फ्लेम मैं बढ़ा दी हूँ, फिर ये भून रहा है और इसमें मैं थोड़ी सी 2-4 दाने काली की थोड़ी सी मैं नमक डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से और थोड़ी सी इसमें मैं पानी डाल अब मैं इसे मैं इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच में बटर डाली हूँ और 1 चम्मच 2 चम्मच घी, इसे मैं घी में बनाती हूँ। और नेक्स्ट मैं ये 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची से मैं कूट के डाल दूँ। ये देखिए, मसाला हमारा पिस चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अक्खा जीरा, 1 दालचीनी, 2 छोटी इलायची मैं डाली और ये थोड़ी सी लहसुन और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक और ये लाल मिर्च का पिठी है वो मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी। नेक्स्ट मैं इसमें 2 मिनट मैं इसे भूनती हूँ। अब मैं इसे अपने पीसे हुए मसाले को मसाला भून रहा है। अब इधर मैं अपने कोफ्ते की तैयारी करती हूँ। पैन में मैं तेल डाल दी हूँ गर्म होने को फिर, और इसमें मैं 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के इसे थोड़ी सी धनिया और 1 मिर्च और नमक और अब मैं इसके गोल गोल टुकड़े कर इसके बीच में मैं 1 काजू और 1 किशमिश दोनों को भर दे रही और इसे तेल लगा के हाथ में आप ऐसे ये देखिए गोल गोल बॉल में बनाई हूँ और इसे मैं तेल में डाल देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम है हमारे गैस का। फिर मैं इसी तरह इसमें भी 1 लौंग और 1 किशमिश
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल मुंह में घुलने वाला कोफ्ता मैं बना रही हूँ। गैस का फ्लेम मैं कम कर दी हूँ, इधर हमारा मसाला भी भून रहा है। छोटे छोटे बॉल में कर देती हूँ उसमें, छोटे बड़े जैसी आपकी मर्जी। और अब मैं इसमें आधा कप दूध डाल देती हूँ। दूध डालने से ये क्रीमी हो जाता है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है कोफ्ते का। थोड़ा आप अगर इसमें कॉर्नफ्लोर लगा दें तो आपका जो कोफ्ता है तवा में चिपकेगा नहीं। ये एक ट्रिक है कोफ्ता बनाने का, चिपकता नहीं है। सारे कोफ्ते को मैं डाल चुकी हूँ, इधर हमारा मसाला भी फिर भून रहा है। और अब मैं इसमें ये थोड़ी सी गरम मसाला है और इलायची पाउडर है, इसे मैं डाल दूँगी। देखिए हमारा मसाला भून के तैयार है। अब मैं इसमें ये हमारे पास क्रीम है, होममेड क्रीम है, ये मैं डाल दूँ। और थोड़ी सी पानी कुछ मैं डाल दी हूँ इससे फ्रेंड। मैं अपने कोफ्ते को पक चुका है, मैं कोफ्ते को इसमें पका ली हूँ। कोफ्ता हमारा ज़्यादा पकने से जल भी सकता है। इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दी। ये देखिए अब मैं इसमें अपने कोफ्ते को गैस बंद कर देती हूँ, नहीं तो कोफ्ता हमारा टूट सकता है। हमारा कोफ्ता बन के
तैयार है, अब मैं इसे विस आउट कर देती हूँ। तो देखा आपने मैंने कोफ्ता को कितनी जल्दी बना डाली, आपने देखा हमारा कोफ्ता तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। इसे आप नान, पराठे, रोटी, चावल, पुलाव किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। कढ़ाई में उतार देती हूँ और नेक्स्ट मैं इसे क्रीम से डेकोरेट करती हूँ और ऊपर से धनिया पत्ता। और थोड़ी सी ऊपर से घी। तो देखा आपने हमारा कोफ्ता, कल हमारा पनीर का कोफ्ता खाने को तैयार है। तो आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धीरे से बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट्स ज़रूर दें फ्रेंड कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बाय।